नमस्कार दोस्तों, 2024 का बरसात का सीजन में जितना धान रोपाया है वो सब का आज दिखाते हैं वीडियो में हम। आज तारीख है 30 जुलाई 2024, यानी कि बारिश बहुत लेट से हुआ। इसी के कारण 30 जुलाई को कटकोम्बा का जितना भी खेत है मेरा या हम लोगों का, सब में धान रोपा कर कम्प्लीट हो गया है। रोपाना चाहिए था 20 दिन पहले ही, लेकिन पानी बहुत लेट से हुआ। कल भी बारिश अच्छा हुआ था, आज भी बारिश 1 घंटा हुआ। नदी में भी आ गया, नहर में भी आ गया। देखिए, वो 3 गो खजूर का पेड़ है, उसके बगल में नहर है, उसमें भी पानी आ गया। पीछे पहाड़ है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, लोकेशन भी अच्छा है, वातावरण बहुत साफ है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। पहाड़ी इलाका है तो अच्छा है। प्राकृतिक का ये सब देन है कि इतना अच्छा है यहाँ पे मौसम। देखिए, इसमें अभी रोपाएगा, कल कदई हो गया है। 3 दिन से यहाँ हम बिहन ढो रहे थे, अब हो गया ढोल, आज कंप्लीट भी हो गया धान रोप के। देखिए, हम लोग सब चल गए धान रोप के, अभी ही 5 मिनट पहले धान रोपल हुआ है। ये देखिए, एगो यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा 10 कट्ठा का प्लॉट है, तो ये 10 कट्ठा में इसमें भी नटवा मसरीवा धान रोपे हैं। इसमें देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ये सब भी है, ये सब है मेहिका धान, ये सब भी मेहिका धान है, जितना भी है देख रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा पहाड़ को जूम करके दिखाते हैं। देखिए, इस पे घूमने भी हम लोग गए हैं और जाते हैं बराबर, काफ़ी अच्छा लगता है घूमने में, आ सकते हैं। ये सब कटकोम्बा गांव है और कटकोम्बा के गांव के बीचों बीच ये पहाड़ है। ये देखिए, एक मेरा रूम है जिसको चेंबर बोलते हैं, इसी में डीजल पंप मोटर सब कुछ है। लाइन नहीं था तो आज के 10 दिन पहले से लाइन से मोटर चला के सब में पानी हुआ था, इसके बाद कदई हुआ और धान रोपने लायक हुआ, क्योंकि पानी तो कल से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जनरेटर भी चलाए हैं दिन भर, तब जाके कंप्लीट हुआ है। ये देखिए सब, ये पीपर का पेड़ बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग दिन दोपहर को आराम करते हैं जाते वक्त, कोई भी, बड़ा अच्छा है। ये देखिए, ये देखिए कितना धान का गाछी है, छोटा छोटा है, अभी यही जाकर फिर बड़ा होगा और अन्न प्राप्त होगा हम लोगों को।